हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप। माय नेम इज हिमांशु गजेंद्र। उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्के रिक्रूटमेंट के बारे में, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो 82 वैकेंसीज टोटल हमारे पास यहाँ पर है। कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आगे सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे एवरीवन। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जितने भी ऐसे अपडेट आते रहते हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया है प्रेप को ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर मैं आपको हल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिखाने वाला हूँ और पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, टोटल जैसे मैंने आपको बताया जो वैकेंसीज हैं वो है 82 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स इन द जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा। ठीक है, जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो होगा आपके वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा, और इंटरव्यू के बाद में एक हफ्ते बाद में उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है www.mhrdtnats.gov.in, इसमें जाके आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर बिफोर अपियरिंग फॉर द वॉक इन इंटरव्यू ऑन द वेबसाइट। ठीक है, और जो एक मेरिट लिस्ट जैसे मैंने बताया कि वो आपकी 1 वीक 10 डेज के बाद आपकी आ जाएगी आफ्टर वॉक इन इंटरव्यू। तो वॉक इन इंटरव्यू में जो भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब नीचे देखिए, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें जो भी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, हेडिंग क्या लिखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो ऐसे जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या फिर जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स हैं जो इंटरेस्टेड है हल में अप्रेंटिसशिप के लिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर मैं आपको फटाफट से बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर वन पे देखिएगा, जो ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उनका स्टाइफेंड होगा आपका 9,000 रुपीज। ठीक है एवरीवन, और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे देखिएगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल सीट्स हैं 20। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 4, मतलब टोटल हो गए 26 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सेकेंड है आपका टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, इसमें देखिए वैकेंसीज कौन कौन सी है। नंबर वन पे है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टोटल सीट्स हैं 25। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए है 1, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है 2, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है 1, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है 3, फार्मेसी के लिए है 1, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए 1, मतलब टोटल यहाँ पर हो गई आपकी 34। ठीक है, इनकी स्टाइफंड यहाँ पर है 8,000 रुपीज। नेक्स्ट, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स जो हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो जनरल स्ट्रीम है लाइक बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, इनके लिए यहाँ पर कितनी सीट्स हैं। बीकॉम के लिए 15, बीएससी नर्सिंग के लिए है 4, बीएससी केमिस्ट्री के लिए 1, बीएससी कंप्यूटर्स के लिए 2, तो टोटल वैकेंसी हो गई यहाँ पर 22। सभी को मिला के टोटल वैकेंसी यहाँ पर है 82। तो जो भी ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो फटाफट से यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एवरीवन, ये भी एक बार देख लीजिए मेरे साथ में, समझ लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है वो यहाँ पर मैं एक बार रीड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट मेंशन्ड एट 1A एंड द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन है उसमें 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। सेकेंड है टेक्नीशियन के लिए, कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एज मेंशन एट 1B एंड द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। तो ठीक है, टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका डिप्लोमा का डिग्री कंप्लीट हो गया होगा एक स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है उसमें 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद में ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन जनरल स्ट्रीम की बात कर लें एवरीवन। कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज मेंशन्ड एट 1C, और जो गैप है इनका पासिंग डेट और क्वालिफिकेशन का वो भी 3 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ रिजर्वेशंस भी यहाँ पर हैं आपके लिए। ठीक है, द रिजर्वेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस विल बी एडमिसिबल एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड रूल्स एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स।
ठीक है, जैसे SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद में कैसे आपको अप्लाई करना है आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको वेबसाइट जो बताई उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु मीट द नोटिफाइड क्राइटेरिया मे वॉक इन एज पर द गिवन डिटेल एंड प्रोसीजर मेंशन बिलो, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यू होगा, कोई आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना है। आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप बिल्कुल एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन कर पाएंगे हल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉक इन डेट आपको दी है, टाइम दिया हुआ है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है आपका 12/9/2022 और रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका 9:30। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 13/9/2022, रिपोर्टिंग टाइम सेम है। और जो जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स हैं उनका वॉक इन होगा आपका 14/9/2022 को और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर देख लीजिएगा आप, नीचे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब आपको कहाँ पे जाना है ना। तो ये रहा आपका एड्रेस, ठीक है। ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हैदराबाद, है ना। तो हैदराबाद में ही आपका आपका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है एवरीवन। डॉक्यूमेंट जो आपको वॉक इन के टाइम पे लेके जाने हैं ये भी एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो आपको चीजें लेके जानी है, आधार कार्ड, ठीक है, 10th एंड 12th मार्कशीट ले जाइएगा, है ना। आपके डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग जो भी आपका ग्रेजुएट है आप उसके सर्टिफिकेट मार्कशीट्स लेके जाइएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाइएगा डिग्री की, ठीक है। रिजर्वेशन कहीं आप हैं SC ST OBC से तो वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ले जाइएगा। और जो सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन से हैं, वन सेट ऑफ फोटो कॉपी जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द अबव सर्टिफिकेट्स, मतलब जितने मैंने सर्टिफिकेट्स आपको बताया जो ओरिजिनल में आपको लेके जाना है उसका एक सेट फोटो कॉपी का भी लेके जाइएगा, वो आपको वहां सबमिट करना होगा, ठीक है। अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्रॉम नेट्स पोर्टल www. ये जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसकी कॉपी भी आपको लेके जानी है। दो फोटोग्राफ लेके जानी है, पासपोर्ट साइज एंड COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा इवन, ये भी आपको वहां दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा फोटो कॉपी, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स एवरीवन। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये मैं आपको समझा ही दिया हूँ, ऐसा कोई भी डिटेल और नहीं है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो ये जो प्रेप की लिंक है ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से भी आप पूरा ओपन करके सारी चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट आता है एवरीवन तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय।